हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई वीडियो से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी जी टी न्यू 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे लगता है अब इसमें कोई भी अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल के एंड्रॉयड जो अपडेट थे वो आ चुके थे और 3 साल के सिक्योरिटी पैच भी आ चुके थे। लेकिन रियलमी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि रियलमी का जो लास्ट अपडेट, मुझे लगता है ये वाला लास्ट होगा, क्योंकि इन्होंने एक सिक्योरिटी पैच दिया है, कल के ही दिन मुझे दिया है, कल 5 नवंबर थी, कल के दिन ये अपडेट आया था और अक्टूबर महीने में ही ये लॉन्च हुआ था 3 साल पहले। तो मुझे लगता है ये लास्ट अपडेट होगा, अक्टूबर मंथ के एंड में आया और अक्टूबर का ही सिक्योरिटी पैच आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेटिंग्स में जाऊंगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, अपडेट अवेलेबल RMX 3370 और यहाँ पर इसका नाम दिया है ऑफिशियल वर्जन 822 MB का आया है और डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने को भी दिखा रहा है। यहाँ पर अभी मैंने किया नहीं है, आप देख सकते हैं Realme UI 4.0 Android 13। तो ये मुझे लगता है अक्टूबर महीने का, यहाँ पर अबाउट दिस वर्जन में जाएंगे, तो अबाउट दिस वर्जन में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेट्स द अक्टूबर 2024 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच, है ना, ये अक्टूबर 2024 का सिक्योरिटी पैच है और यहाँ पर सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन दोनों का करा गया है जो हर बार करा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर महीने का सिक्योरिटी पैच आ गया है और नवंबर का, आज 6 नवंबर है तो आज 6 नवंबर के दिन ही ये आ चुका है। यहाँ पर 5 को आया था और 6 को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ये अपलोड हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर रियलमी ने अपने मतलब अपडेट के मामले में बहुत ही अच्छा है, रियलमी एकदम टाइम टू टाइम अपडेट करता है और सारे अपडेट देता है, ऐसा नहीं कोई भी मिस हो रहा है। तो रियलमी ने ये वाला अपडेट यहाँ पर दे दिया है, एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच दिया है 822 MB का, साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है रियलमी के अपडेट का, जो थोड़े अच्छे लेवल के फ़ोन होते हैं उनमें थोड़ा बड़ा ही साइज रहता है। और यहाँ पर अभी क्या है, अभी नॉर्मली आप देख सकते हैं जिस तरह का फाइल मैनेजर वगैरह सारा कुछ दिखता है, मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, अभी इसको थोड़ा खाली करूँगा, क्योंकि ज़्यादा भरा रहता है फ़ोन तो फ़ोन हैंग भी करता है, हैंग से मेरा मतलब है कि स्लो हो जाता है फ़ोन। तो इसको ट्राई करेंगे कि 100 GB के अंदर ही रखा जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर भरा रहता है फ़ोन तो थोड़ा स्लो भी रहता है और बाकी कामों में भी दिक्कत आती है। बाकी गेमिंग वगैरह मैंने इसमें फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा करी है, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी क्या है, इसमें इसको हम अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद देखेंगे कि क्या कहते हैं, कोई अगर चेंजेस आता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर अपडेट की, तो अपडेट के बाद अगर चेंजेस आते हैं तब तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, अदरवाइज इसके कई बार क्या होता है सिक्योरिटी पैच में भी बग आ जाते हैं, तो अगर कोई बग आता है या कोई इम्प्रूवमेंट दिखता है मुझे फ़ोन में तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। बाकी इस अपडेट के बाद मैं सारे वो वाले टेस्ट तो करूंगा ही, जो हम हमेशा करता हूँ, अंतुतु टेस्ट करूंगा, सारे बेंचमार्क के टेस्ट करूंगा कि अब कितना स्कोर जो है अक्टूबर महीने के लास्ट अपडेट में निकल कर आ रहा है। तो हम इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं, कंटिन्यू डाउनलोड, और ये डाउनलोडिंग हमारी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए एक ही सिम इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी 5G का 29 MB/s स्पीड आ रही है, अच्छी खासी स्पीड आती है यहाँ पर मेरे घर पे तो 5G की। और अभी क्या है, 4G में भी ज़्यादा स्विच नहीं होता है, पता नहीं अपने आप हुआ है कैसे हुआ है, पहले जो है 4G में बहुत जल्दी स्विच हो जाता था, ज़रा सा नीचे गए और वहाँ पर दिक्कत हो जाती थी 4G और 5G की। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा और 1 दिन या 2 दिन इस्तेमाल करूँगा, कोई बग आता है या कोई नया इंप्रूवमेंट दिखता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी जो टेस्ट होंगे हमारे बेंचमार्क वाले, वो सारे के सारे टेस्ट मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि अभी क्या है अंतुतु का स्कोर वगैरह क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं Realme GT 7 Pro, iQOO 13 और OnePlus 13, इन जो फ़ोन आ रहे हैं Snapdragon 8 Elite जो प्रोसेसर है उसमें आ रहे हैं और उसमें उनके जो स्कोर्स हैं वो 27 लाख और ये सब निकल कर आ रहे हैं। तो हम अपने फ़ोन में भी देखेंगे, हमारा Snapdragon 870 का है तो 870 में देख लेंगे यहाँ पर कितना स्कोर भी 8 लाख के आसपास निकल कर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड कंप्लीट भी हो गया, मैं इसको इंस्टॉल पर लगा देता हूँ, इंस्टॉल होने के बाद ये थोड़ी देर लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले अपडेट मैं इसमें देता रहूँगा। थैंक यू।